गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. इन अवर लास्ट क्लासेस वी हैव कम्प्लीटेड द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बाय जीन प्याजे. यानी अपनी प्रीवियस क्लासेस में हमने प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत फिनिश किया है, जो कि मैंने आपको बताया था, जिसकी स्टेजेस और की कंपोनेंट मैंने कल बताए थे आपके, आपने इसको रिकैप्चुलाइज कर लिया होगा. इसके बाद मैं आपको आज नई थ्योरी करा रही हूँ, जो है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत. याद रखिए, सारी थ्योरी डेवलपमेंट की थ्योरीज हैं. प्याजे की संज्ञानात्मक यानी बौद्धिक विकास का सिद्धांत था, और ये कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है. जैसे प्याजे ने बताया था कि बौद्धिक विकास स्टेप बाय स्टेप स्तरों में होता है, इसी तरह से कोहलबर्ग ने भी बताया है कि किस तरह से मॉरल डेवलपमेंट, जो नैतिक विकास है, वो चरणों में होता है. देखिए, जो कोहलबर्ग थे, सबसे पहले जो नैतिक विकास का सिद्धांत जो उन्होंने दिया है, इसकी जो अगर बेस पे जाते हैं कि कहां से इस थ्योरी का ओरिजिन हुआ, तो ये जीन प्याजे के मॉरल डेवलपमेंट व्यूज से प्रभावित थे. यानी जीन प्याजे ने, जिनका कि मैंने अभी बात की कि संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है, कॉग्निटिव थ्योरी दी है, उन्होंने कहीं ना कहीं मॉरल डेवलपमेंट पर भी वर्क किया था. उन्होंने बच्चे की नैतिकता पर भी काफी अपने विचार दिए थे, रिसर्च की थी और बहुत सारी एथिक्स बताए थे, मॉरल एथिक्स. उस तरह से जीन प्याजे के वर्क को इन्होंने आगे बढ़ाया उस पर, और फर्दर रिसर्च की कोहलबर्ग ने, और उसके बाद अपनी एक प्रॉपर थ्योरी प्रोपाउंड की, जिसको हम कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी मानते हैं. प्याजे की बात करें हम, तो अभी फिलहाल हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं, मैं डीप में नहीं जाती, लेकिन प्याजे ने कुछ दो स्तर बताए थे, हाइटोनॉमस मॉरल लेवल और ऑटोनॉमस मॉरल लेवल, उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया है. इंट्रोडक्शन की बात करते हैं हम कि कोहलबर्ग ने किस तरह से थ्योरी में क्या क्या बताया है. कोहलबर्ग वॉज अ साइकोलॉजिस्ट विच वॉज स्टडिंग साइकोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो. जो कोहलबर्ग थे, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में, यानी अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे थे, एक स्टडी कर रहे थे साइकोलॉजी की. The theory was inspired by the work of Jean Piaget's moral development views. उन्होंने जीन प्याजे के मॉरल डेवलप, जीन प्याजे जो सहयोगी थे उनके, उसी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहे थे, तो उन्होंने उनके विचारों को देखा, रिसर्च की, पढ़ा, और उसके बाद वो उनसे बड़े इंस्पायर हुए. उन्होंने कहा कि चलो, इसको मुझे आगे फर्दर रिसर्च करना चाहिए, फर्दर इसके ऊपर काम करना चाहिए. दिस थ्योरी होल्ड दैट मॉरल रीजनिंग विच इज द बेसिस फॉर एथिकल बिहेवियर हैज ए सिक्स आइडेंटिफिकल डेवलपमेंट स्टेज. जो उनकी थ्योरी है वो कहीं ना कहीं मॉरल रीजनिंग पर बेस्ड है, एक जो तार्किक नैतिकता है उस पर बेस्ड है, और वो सिक्स उन्होंने लेवल, सिक्स स्टेजेस और थ्री लेवल अपनी थ्योरी के बताए हैं. देखिए, अगर मैं थ्योरी के ओरिजिन की बात करूं, तो एक चीज और है इसके अंदर, एक कहानी है कि जो एक हैंज नाम का व्यक्ति था, कोहलबर्ग ने उसकी स्टोरी पढ़ी. उस हैंज नाम के व्यक्ति के पीछे भी एक कहानी है, जिसको कि जो कि कोहलबर्ग की थ्योरी का आधार बनी. कुछ प्याजेज के व्यू थे और कुछ उस हैंज नामक व्यक्ति के पीछे एक स्टोरी थी. मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताना चाहूंगी. आप चाहें तो जब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, थोड़ा सा उस थ्योरी को या स्टोरी को दे सकते हैं. एक हैंज नाम का व्यक्ति था, इसको उन्होंने हैंज मॉरल डायलेमा बताया है. तो उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, और जब वो ड्रग लेने गया, डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी, तो वो बहुत महंगी थी. जब उसने केमिस्ट के पास बोला जाके कि ये मेडिसिन मुझे दे दो, तो बहुत महंगी मेडिसिन थी, और उसके पास सफिशियंट मनी नहीं थी उसको लेने के लिए. जब उसने बोला, देखा, तो मनी बहुत कम थी, और उसकी पत्नी की जिंदगी और मौत का सवाल था. यानी अगर वो ड्रग उसको उस वक्त ना मिलती, तो वो शायद ना बचती, डॉक्टर ने क्लियर बोला था. तो उसने बोला कि मुझे मानवता के नाते ही आप मुझे कुछ कम पैसे में वो ड्रग दे दो. लेकिन केमिस्ट ने इंकार कर दिया कि नहीं, मैं जब तक आप पूरे पैसे नहीं दोगे, मैं ड्रग वो आपको नहीं दूंगा. इसके बाद अब उसको लगा कि अगर मैं फेयरली लेता हूं, तो मेरे पास पैसे नहीं है. अब वो बड़ी दुविधा में फंस गया, जिसको मॉरल डायलेमा कहा है कोहलबर्ग ने, कि मैं क्या करूं, मैं इस ड्रग को लूं ना लूं. अगर नहीं लेता तो पत्नी की जान नहीं बचेगी, और अगर मैं इसको परचेज करता हूं, मेरे पास सफिशियंट पैसे नहीं है, फेयरली मैं इसको खरीद नहीं सकता. तो उसके बाद उस वक्त दुविधा थी कि मैं क्या इस ड्रग को स्टील करूं, क्या मैं इस दुकान का शीशा तोड़कर चोरी कर लूं. इस तरह बहुत सारा कन्फ्लिक्ट उसके माइंड में चला. इसी कन्फ्लिक्ट को कहा है कोहलबर्ग ने कि जब हम सही गलत के संबंध में निर्णय लेते हैं, कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक कन्फ्लिक्ट होता है. उसको मॉरल डायलेमा बोला है, नैतिक दुविधा, कि मैं ये करूं या ये ना करूं. क्योंकि हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया होता, आपने भी देखा होगा, हम सिंपल सा किसी से झूठ भी बोलते हैं या कुछ भी काम करते हैं, तो हमारे दिल से आवाज आती है, नहीं यार ये गलत है. हम एकदम से, हमारा जो सोल है, हमारा मन है, उसके लिए अग्री नहीं होता. तो इस तरह वो दुविधा हुई उसके, और आखिरकार उसने वो स्टील कर लिया उस ड्रग को, दुकान का शीशा तोड़कर, और अपनी पत्नी की जान बचा ली. लेकिन उस वक्त जो था, वो उस थ्योरी से इंस्पायर होकर, उस डायलेमा को उन्होंने समझा, इस कन्फ्लिक्ट को उन्होंने आम ह्यूमन बीइंग के जोड़कर जनरलाइज किया, और उसके बाद थ्योरी दी कि किस तरह से बचपन से अब तक व्यक्ति के मन में नैतिकता डेवलप होती है स्टेज बाय स्टेज. इसी को हम आगे पढ़ेंगे. इन्होंने अपनी जो थ्योरी में है, तीन लेवल बताए हैं, जिनकी मैं अभी आपको नाम बताऊंगी, इसकी जो हम डिटेल में चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगी, क्योंकि सिक्स स्टेजेस हैं, वो भी आपको
सीक्वेंस वाइज याद रखनी है। हर लेवल पे दो स्टेजेस आती हैं, यानी एक फर्स्ट लेवल पे इन्होंने दो स्टेजेस को बताया कि किस तरह दो स्टेजेस में नैतिकता को बताती हैं, डेवलप करती हैं। उसके बाद सेकंड लेवल उस पे भी दो स्टेज, थर्ड लेवल पे इस तरह स्टेजेस उन्होंने कहा है कि जो आखिरी होता है बच्चे का एडोल सेंस तक, इन्होंने कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड प्याजे की तरह नहीं दिया है, लेकिन एज्यूम किया है कि एडोल सेंस तक बच्चा एक एडल्टहुड तक 18-19 साल तक उसके अंदर बहुत अच्छे से नैतिकता डेवलप हो जाती है। चलिए हम इनकी स्टेजेस की बात करते हैं कि कौन कौन सी स्टेज और कौन कौन से लेवल को हलवाग ने बताए हैं। देखिए, थ्री लेवल्स एंड सिक्स स्टेजेस, तीन स्तर और छह अवस्थाएं। पहला है प्री कन्वेंशनल लेवल, क्या कहते हैं हम इसको, पूर्व परंपरागत नैतिकता या पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर, ठीक है, पूर्व परंपरागत नैतिकता या पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर, प्री कन्वेंशनल मॉरल लेवल या प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी भी हम इसको कहते हैं। दूसरा है हमारा कन्वेंशनल मॉरल लेवल, परंपरागत नैतिक स्तर, ठीक है, परंपरागत नैतिकता। थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल मॉरल लेवल, जिसको हम उत्तर परंपरागत नैतिकता या उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर बोल सकते हैं। तो आपको पता चल गई कौन कौन से लेवल हैं, तीन लेवल हैं, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, कन्वेंशनल मॉरलिटी या मॉरल लेवल, और पोस्ट कन्वेंशनल मॉरल लेवल, यानी पूर्व परंपरागत नैतिकता, परंपरागत नैतिकता और उत्तर परंपरागत नैतिकता। इस तरह तीन लेवल हैं इनके और हर लेवल में उन्होंने दो दो स्टेजेस बताई हैं। देखिए, अगर हम फर्स्ट लेवल की बात करें, फर्स्ट लेवल हमें पता चल गया कौन सा है, प्री कन्वेंशनल। इस पे दो स्टेजेस आती हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, दंड उन्मुखीकरण की अवस्था, या इसको आज्ञा और सजा का भय भी हम कह सकते हैं। दूसरी है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, व्यक्तिवाद और विनिमय। इनको मैं डिटेल में बताऊंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी ये, लेकिन फिलहाल हमें बड़ा टॉपिक है तो थोड़ा सा मैं इसको एक वीडियो में कवर नहीं करा पाऊंगी, तो इसलिए और ना आपको समझ आएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आज इंट्रोडक्शन और स्टेजेस के नाम बता देती हूँ। तो पहले लेवल पे प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल पर दो हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, यानी दंड उन्मुखीकरण की अवस्था और व्यक्तिवाद और विनिमय। उसके बाद दूसरा लेवल आता है, दूसरे लेवल पे देखिए यहाँ सेकंड लेवल स्टेज, यानी दूसरे स्तर। दूसरा लेवल क्या था, कन्वेंशनल, परंपरागत नैतिकता। इस पे थर्ड और फोर्थ स्टेज आती है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी अंतरवैयक्तिक संबंध, और दूसरी है टू मेंटेन सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था को बनाना या समझना। इसके बाद थर्ड लेवल, थर्ड लेवल कौन सा है, अभी मैंने बताया था पोस्ट कन्वेंशनल, यानी प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है, उत्तर परंपरागत नैतिकता। उत्तर परंपरागत नैतिकता में दो, फिफ्थ और सिक्स स्टेजेस आती हैं। फिफ्थ है सोशल सिस्टम एंड इंडिविजुअल राइट्स, यानी सामाजिक व्यवस्था और व्यक्तिगत अधिकार, और सिक्स होती है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, यानी सार्वभौमिक नियम या सिद्धांत। ठीक है, समझ आ गया आपको। तो ये तीन लेवल और सिक्स स्टेजेस कोहलबर्ग के सिद्धांत की हैं, जिनकी हम कल डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले आप इन सबको दो तो तीन बार रिकैप्चुलाइज करेंगे तो आपको अच्छे से ये लर्न हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज को, जैसे हमने बात की, मेमोरी लेवल होता है सबसे पहले, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव उसके बाद आते हैं, तो हमें मेमोरी लेवल पर पहुंचने के लिए इसको भी याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेमोरी लेवल भी बहुत जरूरी है। तो पहले आप याद करिए इनको, उसके बाद मैं इनको वन बाय वन करके आपको डिटेल में बताऊंगी।